हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे रीडिंग्स जो जिनके पार्टनर उनको कुछ दिखा नहीं रहे, तो उनकी फीलिंग्स जानने के लिए लोग बेचैन होते हैं, तो उन तक ये रीडिंग पहुँची जाए। इसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं करंट एनर्जीज के लिए। तो देखते हैं कि अभी क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम करंट एनर्जीज जानने की कोशिश करेंगे। Perception. Destiny. Bittersweet. Service. Impasse. Despondence. Or acceptance. कंप्लीशन, आप देख रहे हैं बॉटम ब्रेक से क्या आया है, कंप्लीशन। या तो कोई रिश्ता खोया है उन्होंने, या तो कोई इंसान, शायद कुछ डेथ वगैरह भी देख सके हो, या तो किसी रिलेशन की डेथ हुई उनकी और लाइफ में फिलहाल, तो उस कंप्लीशन की एनर्जी में है कि वो जो दुख होता है ना रिश्तों का खोने का, वो है। लेकिन दुख से ज़्यादा वो एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश ज़्यादा लग रही है। अगर वो इंसान करीबी है तो फिर दुख अलग है, लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और वो रिश्ता अगर उनका टूट चुका है, तो वो दुख अलग चीज़ का है। हमेशा वो आपके साथ जो रिश्ता था, अभी वो जैसे खट्टा मीठा, मतलब कड़वा मीठा हो जैसा हो गया है ना, उसके लिए वो बहुत ही पहला जैसा मीठा रिश्ता था वो, अभी वो कड़वा और इस मीठे में कड़वा मिक्स हो गया है, तो उस चीज़ के लिए दुख मनाते नज़र आ रहे अगर रिश्ते के बारे में है तो। और जिस तरह से देख रहे ना कैसे एनर्जी में है, सिर्फ बाल नोचने की एनर्जी में, मतलब क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, क्या कैसे, क्या हुआ, क्या कुछ भी, हर चीज़ में क्यों कैसे क्या कब। लेकिन जब डिस्कवरी होती है अपने अंदर ही, क्यों हुआ, कैसे होना था, ऐसे ही होना था ना मेरे साथ, मैं ही तो ऐसे कर चुका हूँ, तो मैं भी ऐसे ही कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ किसी के साथ, तो ऐसे ही होना था मेरे साथ। लेकिन अभी बहुत ही, मतलब हर चीज़ के बारे में ना नज़रिया बदल रहा है, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, हर चीज़ का। जैसे कि किसी के जो सच्चे, मतलब बोलो ना, चमकता सोना और असली सोना, हर चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क समझने आने लगा है। और ये सब चीज़ें भगवान ने उनके साथ की है, क्योंकि वो इस तकलीफ़ क्यों दी है, क्योंकि वो अलग दिशा में जाए जो दिशा उनके लिए सही है। हमारे रास्ते में भगवान इसलिए मुश्किलें डालता है कि वो रास्ता हमारे लिए सही नहीं है, रास्ता बदलना पड़ेगा। मंजिल तो वही हो सकती है, लेकिन रास्ता बदलना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा, ये भगवान हमें बताना चाहता है। हाल फिलहाल में उनके घर में कोई शायद बीमार भी हो, तो उनकी भी सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और भगवान के ऊपर, नसीब के ऊपर पूरा विश्वास रखे हुए, पूरा विश्वास कि अभी जो भी करेगा वो भगवान करेगा, जो भी होगा वो नसीब में होगा। और हर चीज़ को ना भी एक्सेप्ट करें,
मेरे साथ गलत हो रहा है या इतनी तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ या हूँ गुजर रही हूँ तो वो क्यों हो रहा है, ये चीज़ एक्सेप्ट करने के मोड में नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं टैरोट क्या कहते हैं। Swords. रात रात भर जागना, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स निकल के आ रहे हैं। एट पेंटिकल्स, पैसे का बहुत, जॉब बिजनेस कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है लगता है। क्या है ये सोर्स ही सोर्स, क्या एनर्जी है, क्या कर दिया आपने उनके साथ किस एनर्जी में डाल दिया आपने नहीं कुछ किया है, ये सब जैसी करनी वैसी भरनी का बात है। मैं सॉरी, मैं आपको बोल रही हूँ आपने कुछ नहीं किया है, ये सब उनका ही किया धरा है। क्या करें, नसीब ही ऐसा था कि ऐसा लाइफ में कुछ होना ही था। चलो एक तो कप आ गया, सिक्स ऑफ कप्स, एंड हाई प्रिस्टेस, बॉटम देखे नाइन ऑफ कप्स, तरह से कार्ड्स गिर रहे हैं ना, इतना इमोशनली इम्बैलेंस फील हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस फील हो रहा है। क्योंकि एनर्जी क्या है, ये है बहुत ही ज़्यादा दुखद परिस्थिति, 10 तलवारें पीठ के पर जा चुकी है, बहुत ही बड़ा धोखा पीठ पीछे, मस्त धोखा दे दिया है। क्योंकि हम किसी के पीठ पीछे जब धोखा देते हैं तो हमारे साथ भी पीठ पीछे धोखा ही होता है, तो वैसा कुछ हुआ है। बट रातों रातों को जागा जा रहा है, सो नहीं पा रहे, ख्यालों में मतलब अपना, अपनी गलतियां और आपके लिए प्यार, सब कुछ द्विधा मनस्थिति, क्या फील करूं, किसको चुनूं, क्या करूं, कैसे बात करूं, दुख ये सब चीज़ से गुजरने का, और क्या 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 फील करूं। लेकिन और सबसे बड़ी चीज़, आपके पास जाते हैं, एक शब्द भी आप बोल देना तो ऐसे लगता है कि तलवार चल दी हो, क्योंकि किया ही ऐसा है, एक शब्द भी बोल दिया आप, ऐसे तलवार लेके ऐसे बोल देंगे ना, हाँ तो फिर ऐसा क्यों किया था, या कुछ भी ऐसा चीज़ मतलब ऐसे तलवार चल जाएगी कि हिम्मत ही नहीं हो रही बात करने की, बहुत ही दीदा नसी, मैं कैसे जाऊँ उसके पास, कैसे जाऊँ, मैं किस मुंह से जाऊँ। उनको पता चल गया, उनका जो अंतरात्मा की आवाज़ है ना, वो बता रही है कि ये मेरा जो आपके साथ रिश्ता है वो पास्ट लाइफ से, इस जन्म का नहीं है। तो आपके साथ इन द सेंस कि जो भी पार्टनर के बारे में वो दिल से सोच रहे हैं, मतलब तो आप ही देख रहे हैं तो आपके साथ ही कनेक्ट होनी चाहिए वे फीलिंग। ज़बरदस्ती अपने आप को हर चीज़ से मत जोड़िए, रिक्वेस्ट है आपसे। लेकिन अगर चीज़ आपकी सही सच्ची भावना है तो ये चीज़ आपसे ही जुड़नी चाहिए, एक्चुअली डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो काम के ऊपर पूरा फोकस सब कुछ है, लेकिन पूरी नज़र आपके ऊपर,
सोशल मीडिया पे हर जगह पे 200 ये वो सब हर जगह से जिस जगह से आपकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कौन सा डीपी डाला है, क्या कर रहे हैं, क्या किसके साथ घूम रहे हैं, क्या कौन क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, पूरी तरह नज़र बनाए हुए हैं पूरी तरह। काम मतलब फाइनेंस जॉब बिजनेस इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि बिजनेस में लॉस या जॉब में बहुत ही उतार चढ़ाव, फिलहाल कंडीशंस भी वैसी है कोरोना सिचुएशन की वजह से, लेकिन फिर भी उनके कर्मों के एडिशन की वजह से तो हर चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है। तो काम में पूरा ध्यान मेहनत चल रही है, लेकिन रात रात भर जागना है बहुत ही ज़्यादा। और क्या बोलूँ अभी मैं, मतलब धोखा वगैरह सब है जो अभी हर मतलब हर बात पे अपनी विश नज़र आती है कि आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, आपको पाने की विश लग रही है, ये उनकी विश है फिलहाल। तो इस एनर्जी में है, देखते हैं कि मैसेजेस क्या है आपके लिए। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, विश्वास टूटने के बाद इतना जल्दी से बैठता नहीं है। फाइनेंशियल कंसर्न, जैसे मैंने कहा ना कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आपको बहुत ही सुंदर मानते हैं, लड़की है तो ब्यूटीफुल हैंडसम जब मेल्स हैं उनके लिए। डीएम और डीएफ, आपको वो डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मस्कुलिन, जो ऐसा इंसान जो भगवान ने उनके लिए बनाया हो, वो ऐसा फील करते हैं अभी, क्योंकि वो एक बोलते ना अंदर से रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरे लिए इंसान क्या है, वो अलग ही फीलिंग होती है। कॉल मी, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेशन, क्योंकि खुद से बात करने की हिम्मत नहीं हो रहे, तो कम से कम आप बात करें तो कुछ राहत मिले। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ड्रीमिंग अबाउट यू, आपके सपने देखे जा रहे। डिवाइन काउंटर पार्ट, बार बार यही रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनका डिवाइन काउंटर पार्ट। मिस यू सो मच, रात रात भर जाके यही काम चल रहा है मिस करने का आपको। थर्ड पार्टी, खुद के मुंह से ही बोल रहे हैं थर्ड पार्टी। और योर सॉन्ग, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो ये थी रीडिंग, ये है इनकी एनर्जीज करंट, ये जो है ना बाल खींचने वाली, ये एनर्जीज चल रही है। मुझे मतलब तकलीफ भी हो रही है इंसान को देख के, बट अभी क्या करे, खुद का ही किया हुआ है तो अभी यही एनर्जी में है, अभी क्या करे। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी रीडिंग जो दूसरे तक तो भी पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।